सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की फ्रेश वीडियो में आपके लेकर आया हूँ फ्रेश कस्टम रोम जिसका नाम है डब फेस्ट ओएस। मैं जानता हूँ नाम थोड़ा सा अजीब है, बट रोम बहुत ही सॉलिड है ब्रो। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास है पोको F1 और इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है डब फेस्ट ओएस, जो कि पिछले 1.5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ मैं। और सीरियसली इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अभी इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा जो मुझे रोम हटाने से मजबूर करें। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं सेटिंग में जाके। जैसा आप देख सकते हैं, ये रोम एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है और इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो कि मार्च 5 का है। और फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको स्टॉक रूम में मिलते हैं, जो पिक्सल एक्सपीरियंस है। आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इसको काफ़ी कस्टमाइज़ किया हुआ है। नोटिफिकेशन बार को मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं तो आपको एक डब क्वेस्ट नाम से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। थीमिंग में देखते हैं, यहाँ पर आपको थीम्स मिल जाती हैं, 2 डिफ़ॉल्ट थीम मिल जाती हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें अपने प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं जिसे आपको पसंद आता है। मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, आप एक्सेंट प्रीसेंट यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस बार में जाके आप देख सकते हैं, आपको आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्टेटस बार लोगो, तो यहाँ देख सकते हैं एक लोगो आ गया है, बट मेरे को पसंद नहीं है ये चीज़। बैटरी आइकन को आप हाइड कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसमें से। शो क्लॉक, काफ़ी सारे आपको इसमें कस्टमाइजेशन मिल जाती है। और इसमें आपको जेस्चर में जाके स्टॉक जेस्चर मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3 बटन वाले, 2 बटन और नेविगेशन जेस्चर। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको और फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं इनेबल हैप्टिक फीडबैक, ये सब चीज़ आपको मिल जाती है। शो एंड एनिमेटेड एरो फॉर बैक जेस्चर। और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं इस बार को, तो आप इसको बार को भी हाइड कर सकते हैं, जो कि आप पिक्सल एक्सपीरियंस में नहीं कर सकते। आपको 3 फिंगर जेस्चर मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। बैटरी की बात करें तो बैटरी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा देख सकते हैं। लास्ट फुल चार्ज 3 घंटे पहले किया था मैंने, और इसको मैं काफ़ी देर से इसमें पबजी खेल रहा हूँ। और सीरियसली पबजी बहुत ही इसमें स्मूथ चल रहा है, कोई इसमें टच इशू नहीं आ रहा है, कोई इसमें लैगिंग इशू नहीं आ रहा है। फ़ोन हीट भी नहीं हो रहा है जितना नॉर्मली होता है, उतना ही हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सीरियसली काफ़ी अच्छा रोम बनाया है ये वाला। और इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्चर मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के, जैसा आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने इसका बैकग्राउंड भर कर रखा है जिसकी वजह से काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। और कैमरा की बात करें तो इसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट कैमरा मिलता है जो कि कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा कैमरा आता है, जैसा देख सकते हैं काफ़ी बेकार सा कैमरा है जो कि खुल भी नहीं रहा। इसमें मैंने जी कैम इंस्टॉल किया हुआ है सबसे लेटेस्ट 7.3, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो आपको 60 FPS तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट मिल जाता है, नाइट साइड मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और पर्सनली मुझे ANX कैमरा ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आपको Xiaomi के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट छोड़ के बाकी सारी चीज़ में अच्छे से काम कर रही हैं। वीडियो में आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, 4K 60 तक। और इसमें सबसे अच्छी बात है आपको ब्लॉग मोड मिल जाता है जो कि हमें स्टॉक पोको में नहीं मिलता। इससे आप काफ़ी कूल वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आपको 960 FPS की वीडियो भी मिल जाती हैं स्लो मोशन वाली। रोम ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है इसको, मैं अभी जब से यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं आपको एक पबजी सेशन दिखा देता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं पबजी कैसा चल रहा है।
तो जैसा देख सकते हैं ग्राफिक सेटिंग में स्मूथ और एक्सट्रीम पे चल रहा है, और हम इसको HDR अल्ट्रा में भी खेल सकते हैं, बट मुझे एक्सट्रीम में पसंद है क्योंकि इसमें 60 FPS आते हैं। तो एक TDM का मैच देखते हैं। जैसा देख सकते हैं मैं क्लॉक इंजन में खेल रहा हूँ और कोई ऐसा टच नहीं आ रहा है, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर आप पबजी बहुत खेलते हैं तो आप इस रोम को सीरियसली बहुत इंजॉय करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए भी मैं इतना अच्छा खेल पा रहा हूँ, तो अगर आप अच्छा खेलते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे पबजी के एक्सपीरियंस में। और हीटिंग इशूज़ नहीं है, इसको आप रेजरेक्शन रिमिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसमें आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, वैसे इसमें आपको भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है ऑलमोस्ट उसी की तरह, बट वो रोम मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो काफ़ी अनस्टेबल चलता है, काफ़ी बैटरी ड्रेन करता है। बट ये रोम मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसमें गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, गूगल पे भी अच्छे से चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। पेमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, मैजिस इसमें इंस्टॉल्ड है, बट स्टिल जैसा आप देख सकते हैं ये सेफ्टी नेट को पास कर जाता है। और इसमें एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो कि है इसमें एज लाइटिंग का, जैसा आप देख सकते हैं ये एज लाइटिंग का फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा आपको दिखाता हूँ मैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रोम है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।